हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ कुछ ब्रेकफास्ट बनाने, तो मुझे लगा कि ये दिखाना चाहिए मेरे ब्लॉग पे, तो मैंने सोचा कि इसको दिखाते हैं। एक्चुअली दिखाने के लिए इसलिए ना कि मैं दिखा रहा हूँ क्या, लेट्स सी। मेरे पास ये रात का बचा हुआ चावल है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब क्या चावल बचता है मेरे यहाँ भी बचा है। और इधर है प्याज लहसुन और मिर्चा, और इधर है गाजर और मटर। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन तीनों चीज़ों को मिला के मैं एक मस्त डिश बनाने जा रहा हूँ, मतलब कि मेरा चावल जो रात का बचा हुआ है वो यूज़ भी हो जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ, और ये ब्लॉग का हिस्सा है आपका। ये मेरी कढ़ाई है, मैंने ये नई नई कढ़ाई ली है, बाई की है, और इस पर मैं बनाऊँगा। ओके, तो फाइनली मेरा अमेजिंग ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, अब आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा भाई, ओ हाँ, ये कैसा दिख रहा है, ये रात के चावल का बना हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, कुछ भी बोल सकते हो। ये हो गया फाइनली, बस इसको यहाँ पर इसको बंद करके खाने की ज़रूरत है। तभी मैं चल रहा हूँ उसको खाने, और आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाकी आज देखते हैं आगे क्या होता है दिन में। बाय। ये रेलवे लाइन मेरे घर के बगल से सामने से, मतलब ये पीछे देखिए यहाँ सामने से गई हुई है। अभी मैं सौभाग्य से आया था छत के ऊपर, मैंने कहा रेल को मैं इस रेलवे लाइन से जो गुजरने वाली रेल थी उसको मैं शूट करने के लिए काफ़ी टाइम से सोच रहा था, और आज फाइनली मौका मिल गया, मैंने कर लिया। तो ऑफिस से आने के बाद मैं अभी फटाफट रेडी हो गया हूँ। एक्चुअली मुझे एक शादी में जाना है, और आज तारीख है 7 दिसंबर, एक शादी में मैं जा रहा हूँ, और मेरे रिलेटिव के यहाँ एक शादी है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलने वाले जो काफ़ी टाइम से, मतलब 2 या 3 साल से मैं उनसे नहीं मिला हूँ, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। और बाकी रिलेटिव के यहाँ शादी है तो जाना ज़रूरी है, बाकी इस ठंडी में शादी अटेंड करना बहुत आसान नहीं होता, ख़ासतौर से अगर आपको बाइक से जाना हो शादी अटेंड करना तो बहुत मुश्किल होता है। फ़िलहाल मैंने जैकेट वगैरह पहन लिया है, हालांकि अगर अमिताभ बच्चन के हिसाब से देखा जाए तो शादी में जाने के लिए ये अटायर सही नहीं है, बट अगर अपने हेल्थ के हिसाब से देखा जाए और इस मौसम को देखा जाए तो ये अटायर ही सबसे बेस्ट है। तो अगर आप कहीं भी शादी में जा रहे हैं तो इस अटायर को ध्यान में रखें, ना कि अमिताभ बच्चन वाले अटायर को ध्यान में रखें, नहीं तो आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। चलिए, तो मैं भी जा रहा हूँ, फिर वहाँ जाके देखते हैं, अगर कुछ दिखाने वाला होगा तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।
फाइनली मैं शादी अटेंड करके अब घर वापस जा रहा था, तब तक चौराहे पे मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का लुक। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं और अपने ब्लॉग में ऐड भी कर लेते हैं। काफ़ी रात हो चुकी है, बहुत लेट नाइट है, फिर भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें से मेरे ही तरह शादी अटेंड करके आ रहे हो। टीम वाले अभी भी हैं, शहर का यही फायदा होता है कि अब बाहर रात में 12 बजे भी अगर आप आइसक्रीम खाना चाहो तो खा सकते हो। अभी मैं अपने पीछे साइड जा रहा था, एक्चुअली मुझे जाना था पीछे साइड, लेकिन ये पीछे मेरे देखिए कितनी गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, इन गाड़ियों को देखते हुए मैं भी वापस जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं मतलब अब रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ मेरे पीछे वापस आ रही हैं। देखिए एक गाड़ी और पीछे रॉन्ग साइड आ रही है, शायद पीछे जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इस वजह से ये सारी गाड़ियाँ वापस आ रही हैं। मैंने भी सोचा कि आगे जाने से फ़ायदा नहीं, यहीं से वापस चले जाओ, अब वहाँ जाए वहाँ पता चले जाम लगा हो फिर वापस आए क्या फ़ायदा। तो ये थोड़ा सा देखिए गाड़ी स्कूटी, ये रॉन्ग साइड आ रही है गाड़ी, और मुझे भी साइड जाना है, इस साइड मुझे जाना है जो कि रॉन्ग साइड है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि जाम में जाने से बढ़िया है कि इधर वापस आ जाओ। इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ लगी, भयानक जाम लगा हुआ होगा। चलिए अब आगे जाके देखते हैं, दूसरा एक रास्ता जाने के देखते हैं, अगर उधर जाम नहीं लगा होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, अगर उधर भी लगा होगा तो आधी रात तो इस जाम में ही कट जाना है आज।